हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि फायर्स के अंदर जो ऑप्शन मार्केट है, फ्यूचर मार्केट है, एमसीएक्स मार्केट है, उसके अंदर एल्गो ट्रेडिंग कैसे होती है। वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो बताई थी जिसके अंदर मैंने जो भी डेमो दिखाए थे वो सारे इक्विटी पे दिखाए थे। ये वाली वीडियो है एंड इस वीडियो का नाम है फायर्स एल्गो ट्रेडिंग कोड लाइव डेमो। तो इसके अंदर मैंने सारे ऑर्डर दिखाए थे कि जो इक्विटी मार्केट में लगते हैं वो कैसे लगते हैं। बट काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि वो अगर एमसीएक्स में काम करना चाहते हैं, क्रूड ऑयल पे, या फ्यूचर या ऑप्शन में काम करना चाहते हैं फायर्स में एल्गो ट्रेडिंग के साथ, तो कैसे करेंगे। तो मैं अभी आपको लाइव डेमो दिखाने वाला हूं जिससे कि आप इजीली ऑर्डर लगा पाओगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारी वेबसाइट है नेक्स्ट लेवल बॉट, और यहां आप 499 के अंदर आप स्टॉक फायर्स एंड जरोधा पे तीनों जगह ट्रेड कर सकते हैं। बस आपको एपीआई की जरूरत होती है और एक ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट की जरूरत होती है। तो एपीआई फायर्स अभी आपको फ्री देता है एंड अदर जो प्लेटफॉर्म है वो आपसे चार्ज करते हैं, एपीआई का मंथली चार्ज करते हैं। तो आप फायर्स को चूज करके 499 में ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट की जरूरत होती है जिसके अंदर आप ट्रायल अकाउंट खुद बना सकते हैं अपना कार्ड लेकर। अदरवाइज आप अपना ट्रायल अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो आप हमें 100 रुपीज़ देते हैं, हम आपको ट्रायल अकाउंट प्रोवाइड करवा देते हैं। और आप एवरी मंथ 100 रुपीज़ देंगे, आपको ट्रायल अकाउंट मिल जाएगा, देन आप उससे भी ट्रेड कर सकते हो। तो इट्स मीन आप 600 रुपये में फायर्स पे ट्रेडिंग कर सकते हो। बट अदर एक्सचेंज पे ज़्यादा चार्ज लगता है क्योंकि वो एपीआई प्रोवाइड करते हैं, तो आपको एपीआई का चार्ज आपको अपने एक्सचेंज को पे करना होता है। तो हमारी तरफ से 500 से 600 रुपए में आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो। अब आ जाते हैं कि जो फायर्स है उसमें ऑप्शन, फ्यूचर और एमसीएक्स में ऑर्डर कैसे लगाए जाते हैं, तो मैं लाइव डेमो दिखाने वाला हूं आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने फायर्स अकाउंट में जाना है और जिस भी स्क्रिप्ट पे आप काम कर रहे हो उस पे एक ऑर्डर रिजेक्ट करवाना है या एक आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है, जो भी आपको किसी भी तरीके से एक ऑर्डर लगाना है जिससे कि आप इजी तरीके से आपको पता चल जाए ऑर्डर कैसे लगता है। तो एग्जांपल के लिए सपोज मानिए बैंक निफ्टी है और मैं इसके ऑप्शन पे काम करना चाहता हूँ, तो मैं बाय पे क्लिक करूँगा एंड लिमिट पे जाऊँगा एंड इसका प्राइस मैं डालूंगा 5 पैसे, 0.5 पैसे एंड बाय करूंगा। तो जैसे ही मैं बाय करूंगा यहाँ पर मेरे ऑर्डर बुक के अंदर ये ऑर्डर आ जाएगा, या आप देख सकते हो वर्किंग ऑर्डर के अंदर आ गया। अभी के लिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ आपके सामने। तो मैंने ये किस लिए करा है, मैंने ओनली फॉर इसलिए करा, अभी आपको दिखा देता हूँ ये कैंसिल हो गया। मैंने खाली इसको इसलिए ऐसा करा है जिससे कि मैं इसका सिंबल, जो स्क्रिप्ट का सिंबल है वो कॉपी कर सकूं। तो मैं आपको बता दूं जो फायर्स है वो जो ऑप्शन और फ्यूचर ये एनएससी के अंदर प्रोवाइड कर रहा है, बाकी जो जरोधा अगर अपस्टॉक है अगर आप उस पर काम कर रहे होते तो एनएफओ के अंदर आता। तो आपको ये याद रखना है ये सिंबल एनएससी के अंदर आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस चीज़ को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल सी करना है, राइट क्लिक करके कॉपी नहीं होगा, कंट्रोल सी करना है। तो हमें ये स्क्रिप्ट की जरूरत होती है, हमने कॉपी कर लिया इसे। अब हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, बीटा सेंटेक्स पे जाएंगे। ये हमारा एक टूल है जिससे आप सेंटेक्स को जनरेट कर सकते हो और इजीली ऑर्डर लगा सकते हो। तो मैं आपको लाइव डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ जाने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, फायर्स, जरोधा, अपस्टॉक, एलेक्स ब्लू। आप चाहो जिस मर्जी का ऑर्डर आप बना सकते हो, बट अभी एलेक्स ब्लू अभी ऐड नहीं हुआ तो उसका नहीं बनेगा, बाकी फायर्स, जरोधा, अपस्टॉक का बना सकते हो। तो एग्जांपल के लिए मैं रेगुलर ऑर्डर लगाना चाहता हूं। अब मैंने जो स्क्रिप्ट कॉपी करी थी उसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा, यहां पर वो पेस्ट होगी, इसे सिंबल कहते हैं। सिंबल को मैंने पेस्ट कर दिया कि मैं सिंबल पे काम करना चाहता हूँ। उसके बाद मुझे पता है ये किस में आया है, एक्सचेंज एनएससी में आया है, तो मुझे एनएससी सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये जरोधा होता तो मुझे एनएफओ सेलेक्ट करना होता, बट ये एक्सचेंज एनएससी में इसे काउंट कर रहा है तो मेरे को एनएससी सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्वांटिटी डालनी पड़ेगी। तो यहाँ आपको हमेशा याद रखना है कि लॉट साइज नहीं डालना, क्वांटिटी डालना है। तो क्वांटिटी बैंक निफ्टी की 20 है तो मैं 20 डालूंगा, तो मैं 20 डाल देता हूँ। उसके बाद ये अपने आप ये ऑप्शन खुलते जाएंगे जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। तो अभी उसके बाद पूछ रहा है बाय करना चाहते हो, सेल में बाय करना चाहता हूँ, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर की क्या लगाना चाहते हो। तो जो भी एक्सचेंज प्रोवाइड करता है वही ऑर्डर हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, तो मैं अभी लिमिट ले लेता हूँ। लिमिट के बाद इनने पूछा है कि आप सीएनसी में ऑर्डर लगाना चाहते हो, डिलीवरी लेना चाहते हो, तो मैं डिलीवरी नहीं लेना चाहता तो मैं इसे सेलेक्ट नहीं करूंगा, रहने दूंगा। एंड उसके बाद है पीआर, पीआर होता है प्राइस रेंज। प्राइस रेंज मतलब आप कितने रुपए नीचे लेना चाहते हो, जब आपकी कंडीशन मैच होती है आप कितने रुपए नीचे लेना चाहते हो। तो मैं 0.10 पैसे नीचे लेना चाहता हूँ, तो मैंने 0.10 डाल दिया। इट्स मीन कि मैं 10 पैसे नीचे लेना चाहता हूँ। आप परसेंटेज डालोगे तो परसेंटेज काउंट कर लेगा एंड जनरेट कोड कर देता हूँ। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप जनरेट कोड करोगे तो कॉपी बटन से कोड कॉपी हो जाता है, आपको ऐसे सेलेक्ट करके कॉपी करने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज़ को याद रखना कि आप जब भी
ऑप्शन फ्यूचर या M6 में ऑर्डर लगा रहे हो, तो जब भी आप पोर्ट जनरेट करोगे उसके पीछे ये माइनस EQ लिख के आएगा। ये बाय डिफॉल्ट हमने अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है, क्योंकि फायर्स के अंदर जितने भी इक्विटी में ऑर्डर लगते हैं सिंबल में, उनके पीछे माइनस EQ लगता है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको इसको रिमूव करना है, क्योंकि हम अभी इक्विटी पे काम नहीं कर रहे, हम ऑप्शन में काम कर रहे हैं। तो कोड तो हमने कॉपी कर लिया, हम अपने यहाँ पर चलते हैं ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में। यहाँ आप किसी भी चार्ट को खोल के ऑर्डर लगा सकते हो, और मैं आपको बता दूँ जो ट्रेडिंग व्यू है वहाँ पर आपको स्पॉट का ही चार्ट मिलेगा, आपको ऑप्शन और फ्यूचर का चार्ट नहीं मिलेगा। तो आपको कोई ऐसा चार्ट लेना पड़ेगा, या तो आप डायरेक्ट जैसे बैंक निफ्टी पे काम कर रहे हो तो बैंक निफ्टी का स्पॉट ले लो, या अदर कोई चार्ट लेना चाहते हो उसके बिहाफ पे आप काम ऑर्डर लगाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ अपना इंडिकेटर ऐड करना है, यहाँ हजारों इंडिकेटर है, आप अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि जो इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पर पिवट पॉइंट लगा सकते हो, सुपर ट्रेंड लगा सकते हो, RSI, जो भी आपका दिल करे वो इंडिकेटर पे अपनी कंडीशन बना सकते हो। बट मैं क्या करता हूँ, मैं एक हॉरिजेंटल लाइन ले लेता हूँ, और हॉरिजेंटल लाइन पे राइट क्लिक करके मैं अलर्ट्स बनाता हूँ। तो मुझे क्या करना है, मेरे को यहाँ जाके वो जो भी कंटेंट है उसे रिमूव कर देना और अपना कोड पेस्ट कर देना जो मैंने कॉपी करा था। मैं दिखा देता हूँ, मैंने कॉपी इस बटन से करा था, वो पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने बोला था ये EQ हटाना है, तो मैं EQ हटा देता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और ये माइनस भी हटा देता हूँ। अब ये हमारा कोड प्रॉपर बन गया है ऑप्शन के लिए। अब ये जो मेरी कंडीशन है, ये कंडीशन इस बेस पे काम करती है, जब भी कैंडल इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे टकराएगी तो मेरा ऑर्डर लग जाएगा। बट मैं इतना वेट नहीं करूंगा, मैं जानबूझ के इसे टच कराऊंगा कैंडल के पास ले जाके, जिससे कि मेरा ऑर्डर लग जाए। और जब भी मेरा ऑर्डर लगेगा, ये अलर्ट्स बना हुआ आप देख सकते हो, मेरा ऑर्डर लगेगा, मेरे को यहाँ पर शो होगा कि मेरा अलर्ट्स आ गया है। एंड जैसे ही अलर्ट्स आएगा मेरा ऑर्डर लग जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से, मैं फायर्स पे चलता हूँ, एंड वर्किंग ऑर्डर में आप देख सकते हो कोई भी ऑर्डर नहीं है, और ऑर्डर बुक में भी आपको कोई ऑर्डर नहीं दिख रहा। तो अब मैं फिर से ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट पे गया, एंड मैंने जानबूझ के इसे टिगर कराया। बिल्कुल मैं कैंडल के फ्रंट पे जाके इसे रख देता हूँ जिससे ये टिगर हो जाए। टिगर होते ही यहाँ अलर्ट्स आया, मैं अपने फायर्स के अकाउंट पे गया, और फायर्स के अकाउंट पे जाने के बाद आप देख सकते हो मेरा ये ऑर्डर आ गया। तो ये 10 पैसे नीचे लग गया है। अगर आप लिमिट में देखोगे तो इसका प्राइस है 10 पैसे, मतलब जो इसका प्राइस चल रहा था 20 पैसे चल रहा था, और हमने बोला था 10 पैसे नीचे लग जाए जब हमारी कंडीशन नीचे हो, तो 20 में से 10 पैसे कम करेंगे तो 10 पैसे बचे, तो 10 पैसे पर मेरा लिमिट ऑर्डर लग गया। इस तरीके से आप ऑप्शन या फ्यूचर में लगा सकते हो। अब मैं क्रूड ऑयल पर दिखा देता हूँ आपको ये ऑर्डर लगा के। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्रूड ऑयल का चार्ट खोलना है, मैंने इसे कैंसिल कर दिया, एंड मैं क्रूड ऑयल का चार्ट खोल लेता हूँ। क्रूड ऑयल का चार्ट हमने कोई भी खोल लिया, मैंने फरवरी का ले लिया। अब मेरा ये ऑर्डर आई थिंक रिजेक्ट होगा, क्योंकि मेरे पास इतना बैलेंस नहीं है मैं क्रूड ऑयल को बाय सेल कर सकूं, बट फिर भी मैं आपके सामने ट्राई कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, एक ऑर्डर रिजेक्ट करवाना है। मैंने बाय पे क्लिक करा, लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करा, और इसका प्राइस डाल दिया मैंने 1 रुपये, मैं 1 रुपये पे बाय करना चाहता हूँ, और बाय क्लिक करा, तो मेरा ये ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। मैं रिजेक्ट बुक में जाता हूँ, मैं क्रूड ऑयल का सिंबल को कॉपी करता हूँ। अब इसमें देखिए, इसमें है ना जो एक्सचेंज आ रहा है MCX आ रहा है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो मैं क्रूड ऑयल के सिंबल को सी तक कॉपी करता हूँ, मतलब कंट्रोल सी से मैंने सेलेक्ट करा, पहले मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से मैंने इसे कॉपी कर लिया, आपके सामने कॉपी कर लिया, दोबारा से इधर गया, कैंसिल करा। अब मैं है ना जिरोधा पे क्लिक करूंगा, फिर फायर्स पे आऊंगा, इससे क्या होगा कोड रीसेट हो गया। अब मैं रेगुलर ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, मैंने इस पर क्लिक करा, सिंबल में फिर से मैंने अपना क्रूड ऑयल कंट्रोल वी करके डाल दिया जिस पे मैं काम करना चाहता था। एक्सचेंज के अंदर आपको पता है जैसे ये एक्सचेंज किसके अंदर आया, MCX के अंदर आया, तो मैं यहाँ पर MCX सेलेक्ट करा। उसके बाद क्वांटिटी देख लेते, क्वांटिटी के अंदर 1 ही आया था, तो मतलब ये 1 ही डालूंगा मैं, कि मैं एक ये लोड साइज है क्या है मुझे भी नहीं पता, मैं इस मार्केट में काम नहीं करता, तो मैंने 1 डाल दिया। मैं बाय करना चाहता हूँ, मार्केट ऑर्डर में बाय करना चाहता हूँ, कितने रुपए नीचे बाय करना चाहता हूँ, 10 रुपये 50 रुपये नीचे बाय करना चाहता हूँ। आप परसेंटेज भी डाल सकते हो, जो भी आपको करना है, मैं बस पॉइंट डाल रहा हूँ। एंड उसके बाद जनरेट कोड करा, ये कोड आ गया। इसके अंदर भी आप देखिए बाय डिफॉल्ट EQ लिख के आया है, -EQ, आपको इसे डिलीट करना होगा। मैंने कॉपी करा, अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे गया। आप किसी भी चार्ट को ले सकते हो ट्रिगर कराने के लिए, और मैं आपको बता दूं ट्रेडिंग व्यू पे आपको क्रूड ऑयल का भी चार्ट नहीं मिलेगा इंडियन मार्केट का, आपको US मार्केट का मिलेगा। तो मैं यहाँ क्रूड ऑयल का चार्ट खोल लेता हूँ, मैंने क्रूड डाला और CDF करा, CDF के अंदर काफ़ी सारे क्रूड ऑयल है, मैंने फर्स्ट वाले क्रूड ऑयल को सिलेक्ट करा। ये डॉलर के अंदर चार्ट है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनानी होगी जिससे कि वो इससे इसके बिहाफ पे काम करे। वो आपको देखना है कि आपकी स्ट्रैटेजी, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले मूवमेंट US मार्केट में होती है क्रूड ऑयल में, उसके बाद आपको आपको इंडियन चार्ट में देखने को मिलती है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाली बात होगी कि आप अगर इस चीज़ को समझ गए तो आप पहले मूवमेंट को कुछ सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड या हाफ सेकेंड पहले ही कैच कर पाओगे कि मूवमेंट क्या होने वाली है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं,
और हॉरिजेंटल लाइन पहले मैं ऊपर ले जाता हूँ कहीं टिगर ना हो जाए डालते डालते, तो मैं हॉरिजेंटल लाइन डालता हूँ एंड यहाँ पर इस कोड को डाल देता हूँ जो मैंने कॉपी करा था आपके सामने, और इसमें से माइनस ई क्यू हटा देता हूँ, नहीं तो ये कोड काम नहीं करेगा। तो मैंने ये हटा दिया एंड क्रिएट कर दिया। अब क्रिएट करने के बाद यहाँ पर ये अलर्ट्स बन जाएगा, ये ग्रीन कलर का अलर्ट्स बन गया। इसके अंदर मैंने ओनली वंस ले रखा है कि एक ही बार टिगर हो उसके बाद बंद हो जाए। अगर मैं वंस पर बार कर दूंगा तो जितनी बार कैंडल टच होगी उतनी बार टिगर हो जाएगा, बट मैंने वंस ओनली वंस कर रखा है। अब मेरी कंडीशन आप जानते हो, जैसे ही कैंडल इस पर टच होगी तो मेरा ऑर्डर लग जाएगा, बट मैं इतना वेट नहीं करूंगा, मैं जानबूझ के इसे टच करवा देता हूँ आपके सामने। तो मैं हॉरिजेंटल लाइन को लेके आया एंड बिल्कुल उसके फ्रंट पे रख दिया। जैसे ही फ्रंट पे रखा यहाँ पर अलर्ट्स आएगा, ये अलर्ट्स आ गया। अब मैं गया अपने एक्सचेंज पे, और एक्सचेंज पे जाने के बाद अभी इधर ऑर्डर नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास बैलेंस नहीं है, पर मुझे पता है रिजेक्ट में आ गया है वो, तो मेरे को इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिजेक्ट ऑर्डर को रिफ्रेश करना पड़ता है आई थिंक, क्योंकि जब भी दिखता है आप देख सकते हो 3 दिख गया यहाँ, इट्स मीन दोबारा से मेरा ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब मेरा ऑर्डर गया था पर फंड ना होने की वजह से उनने इस पर ऑर्डर नहीं लगाया। इट्स मीन आपको पता चल गया कि क्रूड ऑयल पर कैसे काम करा जाता है। ऐसे ही आप सेम फ्यूचर लोगे, जिस भी फ्यूचर में आप काम कर रहे हो, तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा। बस आपको सिंबल कॉपी करना होता है और एक्सचेंज का नाम याद रखना होता है। फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आपको वो सिंबल यहाँ पर डालना होता है और उसके बाद एक्सचेंज डालना होता है जो भी आपके रिजेक्ट ऑर्डर या जिसमें भी आता है। जैसे यहाँ एनएससी आया तो एनएससी डाला, यहाँ एमसीएक्स आया तो हमने एमसीएक्स सेलेक्ट करा, तो हमने एमसीएक्स यहाँ से सेलेक्ट करा था, और एनएससी आया था तो यहाँ से सेलेक्ट करा था। उसके बाद जब कोड जनरेट हो जाता है तो हमें उसमें से ई क्यू हटाना होता है। ये टीएस के अंदर आता है, टीएस मतलब ट्रेडिंग सिंबल, ट्रेडिंग सिंबल के अंदर वो चीज़ आई है और उसे हमें ईक्यू हटाना होता है और हमारा ऑर्डर लग जाता है। आई होप आपको पता चल गया होगा ऑर्डर कैसे लगते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप एनी डेक्स डाउनलोड करके मुझे कॉल कर सकते हो, हमारे जो ट्रेडिंग टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको आपकी सारी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा अगर मैं कॉल पिकअप नहीं कर सकता। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।